वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब, होपली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। बहुत तेज धूप हो रखी है, इसमें मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है। और आज हम लोग जा रहे हैं, ये मेरी होगी फाइनल शो है जूतिया। सो आज ये होगी हमारी फाइनल शॉपिंग, इसके बाद में हमें चले जाना है फुर्र करके ससुराल, क्योंकि अब रोज रोज शॉपिंग कोई नहीं कराने वाला। अब तो घर वाले भी पूछ रहे हैं कि भाई अब कब जाएगी, कब की है तेरी टिकट। तो बस आप लोगों के भी कमेंट आ रहे हैं बार बार। तो ये फाइनल शॉपिंग होगी अपनी, उसके बाद में चलेंगे ससुराल। और तो आज मैं आपको दिखा दूंगी कि हम लोग क्या क्या शॉपिंग करने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं। कुचामन, तो मतलब कुचामन ही जा रहे हैं, आपको बताइए कि शॉपिंग हम लोग कुचामन से करते हैं क्या। और इसको शायद नींद आएगी, इसलिए कब से तू चाट कर रही है। मम्मी भी आ रहे हैं पीछे, आज तो पूरी फैमिली एक साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं। दुआ मेरे को लगता है स्टैंड भी नहीं पहुंचोगी, इससे पहले सो जाएगी। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, मैं आपको दिखाती रहूंगी कुचामन का, अच्छे से मार्केट भी दिखाऊंगी। क्योंकि बहुत सारे भाई साहब मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि आप जब कुचामन जाते हो तो हमारी पुरानी यादें जो है ना ताज़ा हो जाती है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये ब्लॉग होगा, वहाँ का मार्केट, शॉप, शॉपिंग, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलो चलते हैं। हम लोग कुचामन पहुंच गए और बस में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मम्मी को बिठाया हमने आगे वाले दो आगे। एक ना। मैं और भाई साहब बैठे हैं दूसरे मम्मी, बाईपास से ऑटो करके जाना पड़ता है। दुआ हमारी सो चुकी है, हम चलते हैं मार्केट, बहुत भयंकर धूप गर्मी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट। अब सबसे दुआ का बच्चा हुआ जूस, मैंने पिया तो वट गया गले में सारा। और ऑटो लाके इसे तो मार्केट में छोड़ता है, तो मार्केट पूरा स्टार्ट हो गया यहीं से। तब छोटी छोटी स्टॉल यहाँ पे लगी होती है इस गली में, है ना। पहले वो छवि मैदान पर ही जाना लगा है, मेरी प्योर की ओढ़नियाँ रखने के लिए दी हुई थी, मतलब बनवाने के लिए। तो वो लेंगे सबसे पहले। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, मेन जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पे बिल्कुल सामने ही जो शारदा कॉम्प्लेक्स है, हम लोग ज़्यादातर मोस्टली यहीं से शॉपिंग करते हैं। तो बस इसी में जाएंगे, शॉप हमारी फिक्स नहीं है बट मार्केट हमारा फिक्स है, हम लोग इसी से में आते हैं सबसे पहले। तो ये आप लोग देख लो, ये है शारदा कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से शॉपिंग करते हो, तो इसी मॉल से मोस्टली शॉपिंग होती है हमारी। तो गाइज हम लोग आ गए यहाँ पर, हमारी जो ओढ़नियाँ दी हुई थी बनवाने के लिए, देख रहे हैं अभी आई है कि नहीं आई। तो गाइज ओढ़नियाँ लेने आए थे, मोस्टली वही काम था, बट ओढ़नियाँ हमारी आई नहीं है, वरना कोई इतने कॉल से उन्होंने उठाए नहीं, इस वजह से आज हमारा थोड़ा। मम्मी तो ये चल रहा है बिना सुतु नहीं, रुक जाओ। आज भाई साहब हमें नया मार्केट दिखाएंगे जिसमें हम लोग पहले कभी नहीं गए, जेंट्स की शॉपिंग करनी है हमें। भाई साहब करेंगे शॉपिंग, ट्राउजर टाइप में देख लिया थकड़ होने, वो ब्राउन कलर होते पहने अगर वो मेहंदी कलर वाला सो होगा ना बी टाइप में, पॉकेट वाला। हां वो सिक्स पॉकेट में कॉटन वाली, हां साइज कुछ नहीं बदलती बदलती। क्यों सस्ती हुई दुकान पर ले रही है, तो मॉल में तो सही मिल जाए, यहाँ कौन मिले। अब चालू हो जाए, अंधेरा है। तो गाइस आप लोग पहले ऊपर गए, वापस नीचे आए, अब देखते हैं भाई साहब आज हमें क्या दिलाते हैं। मन भी दिला दो, अभी खुद से ही पसंद कर लेगी, कुछ ना कुछ उठा लेगी। क्या लेना है आपको,
क्या ये वाला? अच्छा, इतना चमचमाता हुआ पसंद आया दुर्गा को है? ये नहीं चाहिए। अच्छा, इसकी साइज के नहीं होंगे ना? अच्छा नहीं, पसंद नहीं आ रहा। इसको शूज चाहिए। शूज चाहिए क्या आपको? क्या ये वाला चाहिए आपको? ये देखो कितने बड़े हैं, आपके खुद के जितने बड़े हैं। ये कोई सा भी नहीं आएगा आपके? नहीं, ये वाला भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा आपके। आ जाओ इधर, आ जाओ मामू के पास चल। देखो मामू ने क्या लिया, देखो मामू, देखो क्या ले रहे हैं। आ जाओ, मामी का रिएक्शन देखो। मम्मी इतनी सी देर में आता हो गया लाइ। क्या खाओगे आप? कैमरे को क्या हो गया अपने को? मम्मी भूल गए अपना एटीएम कर दी। देखो पिज्जा बन गया ना। क्या खाएगा खुदा? पिज्जा खाएंगे पहले, पर फिर अपन पानी पूरी खाएंगे। ओके ओके ओके। भाई साहब गए पिज्जा लाने, पता नहीं कैसा मिलेगा। तो गाइस हमारा पिज्जा भी आया नहीं है, इसलिए हम लोग बस फोटो शूट करवा रहे हैं यहाँ पे, और बहुत भीड़ हो रही है। तो मैंने तो भाई साहब से बोला पानी पूरी खाएंगे, दुबा की भी डिमांड थी पानी पूरी की, पर भाई साहब ने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, तो वेट कर रहे कि आ जाए। फिर हम लोग खा के निकले यहाँ से, क्योंकि ना तो हमें ओढ़नियाँ मिली, ना हमें ड्रेस चाहिए थी वो मिली। अब आगे देखते हैं। और हम मम्मी एटीएम लाए नहीं, तो तीनों काम कैंसिल हो चुके हैं। तो आके देखेंगे कौन सा काम होता है हमारे। और यहाँ पर सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। सब लोगों को लग रहा है कि ना ये पागल हो गई है, क्या कर रही है कैमरा ले। देखो आपको दिखाती हूँ, इतनी भीड़ में मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, इसलिए सब लोग मुझे ही मुझे देख रहे हैं। इन सबको लग रहा है कि स्पेशली जो सामने खड़े हैं ना, वो देख रहे थे। और एंड नाउ फाइनली गाइस हमारा पिज्जा आ चुका है। और इसको पता नहीं क्या चाहिए आज। ये बहुत अच्छा लगेगा खा के, तो देखो आप। वाह मत खाओ, धन नहीं पाओ, तो बैठ जाओ, जूस पाते शायद। ये हमारा बेक टूट चुका था, उसको सही करवा रहे हैं। आज पार्टी हो रही है हमारी मस्त। अब हम खाएंगे पानी पूरी है। चेपो दुर्गा के लिए लेंगे, हाथ में ले लो खुद के। चलो कैसे खाते हैं? हाथ में रख के ली, बस छोटी हो गई तो यहाँ रख, पूरी खाइए एक साथ। चलो कौन सा वाला? ले, ये कौन सा लेना? मम्मा देख रहे उधर देखे। सो गाइज हम लोग आ गए यहाँ पर चूड़िया लेने के लिए। मैंने शॉप का नाम नहीं देखा, बट इस शॉप में बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। हम लोग जब भी जाते हैं यहीं से लेते हैं मोस्टली, और इनके पास में लाख का ज्यादा कलेक्शन मिलता है। काज का अभी नहीं था अवेलेबल, तो मैंने लाख में जो भी चूड़ा देखा मुझे बहुत पसंद आया, और मैंने काफी सारे कड़े लिए भी थे, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। ये नहीं चाहिए? नहीं
पहनो ला पहनो हाथ कर सही कर हाथ देखा बस दो ही दो ही दो ही अरे दो ही हम लोग आए हैं मम्मी को चप्पल दिलाने क्योंकि मेरी मम्मी कैसी चप्पल पहन के आई ये तो मैं आपको नहीं दिखा सकती इसलिए हम नहीं दिला रहे कहाँ जा रहे हो थोड़ा सा कुचामन का बाहर का दिखा देती हूँ। जब हम लोग कुचामन गए थे तब हम लोग दूसरे रास्ते से गए थे, वो अपना बाईपास से पड़ता है और अभी हम लोग जा रहे हैं मेन बस स्टैंड जो कि नया बस स्टैंड बन गया है और पुराना बस स्टैंड था ना वो बिल्कुल मार्केट में था, वहाँ से अब बसें नहीं जाती है, वो बिल्कुल बंद हो चुका है और अब नया बस स्टैंड बिल्कुल कुचामन के दूसरी साइड ऑपोजिट साइड में बाहर है, तो वहीं पे जाना पड़ेगा हमें बस के लिए। ये हमने पकड़ लिया ऑटो, फिर ऑटो से निकल गए हैं हम लोग। सो गाइस ये आप लोग देख लीजिए नया बस स्टैंड। रोड पे चला आ गई थी क्या रोड पे चल अंदर कितनी धूप, ये आप लोग देखो कितना बड़ा बस स्टैंड है। अरे बस अटिनी लाग सी सारे रोड चलो बैठा दी उमाड़ा 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 क्या नाम उमा डाले तो गाइस आप लोग देखो तो कितना बड़ा बस स्टैंड बन गया है, इतनी जगह अंदर नहीं थी इसलिए शायद यहाँ बाहर बना है। देख छोरे देखिए छोटी तो बहुत अब छोरे क्या सब दे दब हां मतलब ये फेर भी नहीं हो दीदी सीट बन मिले ना बाद में अड़ी मना ले फिरेंगे जाओ 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 जेल से पीछे हो आ तो खास खा रहे मानसी है भाई इसके वेट ना पड़ती होगी प्राइवेट आवे एक मैन घर पे इतनी भयंकर वाली गर्मी और हालत खराब हो गई है, जब भी जाते हैं मार्केट हालत खराब ही होती है क्योंकि हमारा स्टैंड इतना लंबा पड़ जाता है, इतना दूर पैदल चलना पड़ता है। पहले तो मार्केट में हालत खराब हो जाती है फिर यहाँ पैदल चलते चलते, तो अभी जस्ट घर बस आए हैं। अब कुछ ठंडा लेके आया वो पियेंगे, थोड़ा सा हाथ मुंह धोएंगे, कपड़े चेंज करूंगी। मैंने आपको बताया कि मेरे को प्योर की उड़ियां लानी थी तो वो नहीं आई, और सेकंड दुर्गा के बाबा की ड्रेस लानी थी तो वो भाई साहब को पसंद नहीं आई, तो भाई साहब ने बोला कि ऑनलाइन मंगा लेने फिर कभी दूसरे मार्केट में देख लेना, तो इसलिए वो भी नहीं ले पाए। और मम्मी को पैसे निकलवाने थे लेकिन मम्मी जी हमारे एटीएम यहीं छोड़ गए इसलिए वो भी नहीं हुआ। बस मैंने चूड़ियाँ खरीदी है, चूड़ियाँ खूब सारी खरीद ली मैंने, अब आपको मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में या फिर जब मैं यहाँ से जाऊंगी ना तो सीख में मैं जो भी चीज़ें लेके जाऊंगी उसका मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी और आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी।